जो आप प्रश्न कर रहे हो वो अपने आप में आज के समय के लिए बहुत बहुत जानने योग्य। क्या हाथों में प्रेम विवाह की लकीर होती है? क्या किस्मत में, क्या तुम्हारी भाग्य में कोई लकीर है? पहले से कुछ लिखा हुआ है प्रेम विवाह? प्रेम विवाह अक्सर क्यों टूट जाते हैं, क्यों हो नहीं पाते? प्रेम विवाह में समस्याएं क्यों आती हैं? हाँ, हाथों की लकीरों में आपके प्रेम विवाह लिखा होता है। व्यवस्था विवाह अथवा प्रेम विवाह, ये दोनों पूर्व से निर्धारित होते हैं। जिनका जन्म मंगलवार, शनिवार, रविवार अथवा बुधवार में होता है, ऐसे लोगों के प्रेम विवाह के संयोग अथवा एक से अधिक विवाह के संयोग बनते हैं। ये सब पूर्व निर्धारित है। जो कर्क लग्न के लोग हैं, जो तुला लग्न के लोग हैं, जो वृष लग्न के लोग हैं, जो मीन लग्न के लोग हैं, जो मेष लग्न के लोग हैं, इन लग्नों में पूर्व निर्धारित है कि आपका प्रेम विवाह होगा अथवा एक से अधिक विवाह होगा। और जरा समझना इस बात को, हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहले से हर एक चीज पहले से निर्धारित है जन्माक्षर में। आपके हाथों की जो सबसे छोटी वाली उंगली है, वो जितना ज्यादा अंदर की वो और झुकती जाएगी, उतना आपके प्रेम विवाह के योग और संयोग बनते जाएंगे। आपके नाखून जितने आकर्षक होंगे, उतने प्रेम विवाह के और अच्छे विवाह के योग बनते जाएंगे। आपके नेल्स, आपकी आंखें जितनी सुंदर होंगी, उतना प्रेम विवाह का संयोग और योग बनता जाएगा। बड़ी आंख होना एक से अधिक विवाह अथवा प्रेम विवाह का संयोग रच देता है। ये 100 में 90% टाइम देखा गया है। आपके हाथ में छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे यहां ब्याह की रेखा होती है। ये जितना ऊपर की ओर चलती जाएगी, जितनी ज्यादा भारी और गहरी होगी, उतना ज्यादा प्रेम विवाह के संयोग और योग बनते हैं अथवा एक से अधिक अथवा मनचाहे विवाह का संयोग बनता है। एक बात और कहूं, इन्हीं लक्षणों में अगर तिल हो, इन्हीं लक्षणों में पापक ग्रहों की संयुक्ति हो, तो प्रेम विवाह अथवा विवाह नहीं चल पाते। ज्योतिष थोड़ा गहराई की बात है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्युत तेनो चते संयतो पीतरहि कर्णन आशाद भी चक्षु सांगे नहीनो न किंचित करा। ये वेदों की भाषा है, इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन सूक्ष्मता में समझो कि अगर तुम इस संदर्भ में आगे बढ़ रहे हो तो विश्लेषण कराना, विशेषज्ञ से बात करके आगे बढ़ना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होगा।